into two parts, and then they are placed at a fixed distance. Prove that force between two charges is always maximum when Q1 is equal to Q by 2 and Q2 is equal to Q by 2. मतलब कि अगर आपके पास कैपिटल Q चार्ज है, उसको आपको डिवाइड करना है दो हिस्सों में, ताकि कैसे डिवाइड करें, मीन्स Q by 2, Q by 3 या Q by 2, 2 Q by 3 या Q by 3, Q by 2, Q by 2, कैसे भी, ताकि फोर्स उनमें मैक्सिमम हो. इसको करने के एक्चुअल में दो तरीके हैं. पहला तरीका कि सपोज आपके पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू इज इक्वल टू 10 कूलम. मान लो 10 कूलम का चार्ज है. आप इसे डिवाइड करते हैं कैसे, 2 कूलम, 8 कूलम, 1 कूलम, 9 कूलम, टोटल तो 10 ही है, 3 कूलम, 7 कूलम, 4, 6, 5, 5, 6, 4, रिपीट अ पैटर्न. तो मुझे पता है जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन इंटू क्यू टू, क्योंकि आर तो सब में बराबर ही है. तो इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 16, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 21, 24, 25 एंड सो ऑन. सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हाई कब आ रहा है, जब ये कितने, 5 इंटू 5, 25. इसका मतलब 10 कूलम को जब इक्वल हिस्से में डिवाइड किया, 5 और 5, तो फोर्स क्या रही, मैक्सिमम. इट मींस अगर कैपिटल क्यू चार्ज है तो क्यू बाई टू अगर करेंगे तो फोर्स क्या रहेगी, मैक्सिमम. क्या पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये पहला मेथड है. तो आंसर क्यू बाई टू. दूसरा तरीका, वैसे लोग करते नहीं हैं पर जिनको कैलकुलस आ जाता है वो कर लेते हैं, कि मान लो कैपिटल क्यू को दो हिस्सों में डिवाइड किया, छोटा क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, तो फोर्स उनके बीच में क्या होगी, 1/4 pi epsilon naught स्मॉल क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर. और अगर आपने किसी भी चीज़ को मैक्सिमम करना है, उसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट इक्वल टू जीरो, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू स्मॉल क्यू. स्मॉल क्यू की वेरिएबल है क्योंकि आपको निकालना है, और इक्वल टू अगर जीरो करें तो ये आपने वैल्यू को पुट किया 1/4 pi epsilon naught और क्यू दोनों 1/4 pi epsilon naught और आर स्क्वायर दोनों जीरो से कट गए. तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, कैपिटल क्यू बाहर आ गया, डी क्यू बाई डी क्यू और क्यू स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2q, सॉल्व करके आंसर सेम आएगा. हालांकि ये करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा याद करें q/2 q/2 स्टैंडर्ड आंसर है q/2 q/2, सॉल्व कैलकुलस मेथड से दिखाने के लिए कि कैलकुलस से हो सकता है, अदरवाइज आंसर सीधा मार्क करेंगे. जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में एक चार्ज रॉड है और एक पॉइंट चार्ज है. क्वेश्चन है कि आपको इन दोनों के अंदर फोर्स बतानी है क्या है. अब प्रॉब्लम क्या है, कूलम लॉ जो हमने किया, कूलम लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है. जो कूलम लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है. और कूलम लॉ ऐसे नहीं चलता कि आपको एक मैंने क्यूबॉइड दिया, एक मैंने डिस्क दी चार्ज, और मैंने कहा कि फोर्स निकालो तो कूलम लॉ लगा दिया. नहीं, ऐसा नहीं होता, कूलम लॉ नहीं चलेगा उसमें. कूलम लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है. तो आप लोग कहेंगे कि आपने पिछले लेक्चर्स में स्फीयर वर्ड यूज़ किया था, टू स्फीयर्स, आइसोलेटेड स्फीयर्स हैं, उनके बीच में कूलम फोर्स निकालो, जबकि स्फीयर तो पॉइंट चार्ज नहीं था. एक्चुअल में जो स्फीयर्स हमने लिए थे उनका साइज नेग्लिजिबल ही था. हमने कभी स्फीयर के रेडियस की बात ही नहीं की, स्फीयर 10 सेंटीमीटर बड़ा है या 20 सेंटीमीटर बड़ा या 30 सेंटीमीटर बड़ा है, क्योंकि वो था ही बहुत छोटा, उसका साइज मेंशन नहीं किया, वो एक पॉइंट चार्ज था, राइट. तो इसलिए कूलम लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, इस रॉड के लिए वैलिड नहीं है, जबकि स्मॉल क्यू तो पॉइंट चार्ज है. तो इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, इस प्रॉब्लम को करने के लिए कैपिटल क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रॉड. ये गिवन है क्वेश्चन में कि जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो रॉड के ऊपर बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये टर्म हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जैसे हम रोटेशनल मोशन में यूज़ करते थे कि मास के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं. मास तीन किस्म से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या तो लेंथ वाइज या एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज, तीन किस्म होती हैं. बिल्कुल वैसे ही जो चार्ज कैपिटल क्यू है वो तीन टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, या तो लेंथ वाइज या एरिया वाइज या वॉल्यूम वाइज, ठीक है यहाँ तक. तो इसके अंदर रॉड है तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज, ठीक है यहाँ तक. तो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है. अब इसके अंदर सपोज करो आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इसका बहुत छोटा टुकड़ा लिया आपने, पॉइंट लिया इसका,
तो इट्स अ पॉइंट, ये पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है ये इसके ऊपर चार्ज मान लो डी क्यू है, डी क्यू चार्ज है। अब डी क्यू एक पॉइंट चार्ज है क्योंकि इससे छोटा चार्ज तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो डी क्यू पॉइंट चार्ज है और क्यू एक पॉइंट चार्ज है। अगर मैं इनके बीच में फोर्स निकाल लूँ तो हाँ फोर्स के लिए कूलम लॉ लगा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज है। तो एक मैंने डी क्यू ले लिया, एक मैंने क्यू ले लिया, तो इनके बीच में अब ये एलिमेंट लेना कहाँ पर है, कहीं मर्जी ले लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, जहाँ मर्जी ले लो। तो मैंने एलिमेंट यहाँ पे ले लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू। तो क्यू और डी क्यू के बीच में एक्स दूरी है, फोर्स क्या बनेगी, 1/4πε0 डी क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ये जो फोर्स है वो टोटल फोर्स नहीं है, ये स्मॉल फोर्स है, क्योंकि चार्ज आपने स्मॉल लिया तो फोर्स भी स्मॉल आएगी, ठीक है यहाँ तक? तो फोर्स स्मॉल आ गई। अब डी क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर टोटल लेंथ एल है तो टोटल चार्ज क्यू है, वन है तो क्यू बाई एल है, और अगर लेंथ डी एक्स है इसकी, स्मॉल लेंथ डी एक्स है, तो फिर चार्ज क्या बनेगा, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स। इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये टर्म क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, चार्ज। तो इस डी क्यू की वैल्यू को उठा के आप इसकी जगह यहाँ पर पुट करेंगे क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, तो ये टर्म आ जाएगी। अब आप इसे इंटीग्रेट करें, क्यों, क्योंकि अभी आपने फोर्स q और इसकी निकाल ली है, आपको फोर्स निकालनी है q और फर्स्ट एलिमेंट की, q और दूसरे एलिमेंट की, q और तीसरे एलिमेंट की, q चौथे एलिमेंट की, q आखिरी एलिमेंट की, और सभी फोर्सेस को मिलाना है। मिलाने को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया, ये फोर्स निकाल ली, इसको इंटीग्रेट करते हैं। जो पहला एलिमेंट लिया जाएगा वो ये लिया जाएगा, आखिरी ये लिया जाएगा। पहले एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, r, आखिरी एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, r प्लस l। तो लिमिट क्या लगाएंगे डिस्टेंस की, r से लेके r प्लस l, तो पूरी की पूरी रॉड कवर हो जाएगी और इंटीग्रेशन से टोटल फोर्स F आ जाएगी। तो यहां पर ये सब कॉन्स्टेंट्स है, x इसमें वेरिएबल है क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, x की पावर माइनस टू की इंटीग्रेशन, x की पावर माइनस वन बाई माइनस वन, तो माइनस वन बाहर आ गया, x की पावर माइनस वन इज वन बाई एक्स, तो एक बार अपर लिमिट r प्लस एल, एक बार लोअर लिमिट r, ये माइनस किया, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आया। ये एनसीईआरटी में नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किसी शीट में जरूर मिलेगा, आपकी बुक्स में मिलेगा। तो रॉड और पॉइंट चार्ज का क्वेश्चन इंटीग्रेशन से करना है, और कैसे करना है ये स्टाइल आपको पता होना चाहिए। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, ठीक? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ये स्टाइल रहेगा, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अब आपको एक काम करना है इसमें, ये एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है, इसको एक बार, हाँ ये देखें, ये आया हुआ क्वेश्चन है वैसे मेंस में। तीन चार्जेस हैं माइनस क्यू थ्री, क्यू टू और माइनस क्यू वन, कुछ इस तरीके से, तो कुछ ऐसे गिवन है। तो जो एक चार्ज है वो यहाँ पर है, दिस इज माइनस क्यू थ्री, दिस इज माइनस क्यू वन, दिस इज क्यू टू, ठीक? और ये डिस्टेंस कितना गिवन है b, ये डिस्टेंस कितना गिवन है a, और ये थीटा। आप बस एक काम करो, अपनी कॉपी लो, इसके ऊपर नेट फोर्स बताओ क्या होगी, बस मुझे इसके ऊपर नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू वन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग निकालनी है, फोर्स क्या होगी?
तो वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, पता है ना? तो इसमें जैसे सपोज करो आपके पास ये माइनस क्यू थ्री माइनस क्यू वन को क्या करेगा अपने से दूर, रिपेल। तो ये फोर्स है एफ वन थ्री, वन और थ्री के बीच में, और ये क्यू टू माइनस क्यू वन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट एफ ऑफ वन टू फोर्स के साथ। दो फोर्सेस ऐसे बनेंगी, फिर आप क्या करेंगे, मान लो ये एंगल क्या है, थीटा, क्योंकि आपको फोर्स एक्स के अलॉन्ग निकालनी है, तो इसका एक कॉम्पोनेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे एफ वन थ्री कॉस थीटा, और एक इस तरफ एफ वन थ्री साइन थीटा। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स क्या बनेगी, एफ वन टू फोर्स भी एक्स के अलॉन्ग है, एफ वन थ्री कॉस थीटा भी एक्स के अलॉन्ग है, तो टोटल फोर्स क्या बनेगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ओ सॉरी, मैंने गलत लगा दिया, इसमें मुझे थीटा ये नहीं लिया, मुझे लेना चाहिए था थीटा, एक्चुअल में ये थीटा ये नहीं, थीटा जो है वो ये था एक्चुअल में, ऐसे ये थीटा ये नहीं है, तो कॉम्पोनेंट उल्टे ले लिए, यहाँ पर आएगा कॉस थीटा और यहाँ पर आएगा साइन थीटा, ऐसे होगा, ये साइन थीटा होगा, राइट, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो कॉम्पोनेंट उल्टे, क्योंकि नहीं तो 90 माइनस थीटा लेना पड़ना था, सही कह रहे हो, वर्टिकल ऑपोजिट से ये थीटा बनेगा। तो इसमें यही किया एग्जैक्टली कि ये थ्री वन को रिपेल कर रहा है और माइनस जो प्लस क्यू टू माइनस क्यू वन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अगेन ये एंगल थीटा थीटा, तो एफ वन थ्री के दो कॉम्पोनेंट कॉस और साइन, तो नेट आंसर इन दोनों का सम होगा। अब एफ वन थ्री की वैल्यू क्या होगी, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू थ्री इंटू क्यू वन बाई ए स्क्वायर, और क्यू वन और क्यू टू में एफ वन टू क्या होगा, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू क्यू वन बाई बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी एफ वन टू में क्यू वन क्यू टू बाई बी स्क्वायर, एफ वन थ्री में क्यू थ्री क्यू वन बाई ए स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये नहीं पूछा कि नेट फोर्स निकालो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, नहीं उसने ये नहीं पूछा, इक्वल टू उसने फोर्स की वैल्यू नहीं पूछी, उसने कहा फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो फिर इक्वालिटी में आता कि फोर्स किसके इक्वल है, तो हम बोलते फोर्स किसके इक्वल है, बात खत्म हो गई। अब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें ऑप्शन देखनी पड़ेंगी, उनमें एक ऑप्शन ये बनेगी, तो बस ये आंसर मार्क करना है आपने। ये ऑब्जेक्टिव मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा करके आपको इस पे मार्क दिख जाएगा आपको प्रोपोर्शनैलिटी में कुछ ना कुछ। क्लियर है यहाँ तक? इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, एक बार को इस क्वेश्चन में टू इक्वल चार्जेस माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट टू पॉइंट्स 0, a एंड 0, -a, ये रहा और ये रहा, वाई एक्सिस पे दो पॉइंट चार्ज लगा दिए, प्रूव दैट, एंड एक और चार्ज कैपिटल क्यू को प्लेस किया 2a, 0 पे, तो एक्स एक्सिस पे 2a, 0 ये पॉइंट बनेगा, यहां पर कैपिटल क्यू को प्लेस कर दिया। अब क्या किया, प्रूव दैट चार्ज विल एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी मोशन एंड विल नॉट बी इन एस एच एम। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बात कर रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन और एस एच एम, अब ऑसिलेटरी मोशन एस एच एम ये वर्ड्स कैसे इसमें फिट इन होंगे और कैसे पता करना है कि ऑसिलेटरी है और एस एच एम है। ऑसिलेटरी का तो बड़ा सिंपल, ऑसिलेटरी मोशन चेक करने के लिए आपको कोई मैथ नहीं चाहिए। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है जब दो पोजिशन के बीच में दो कोई चीज़ मूव करती है, वो ऑसिलेटरी मोशन है, बात खत्म।
तो इसमें कोई मैथ नहीं चाहिए, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट बॉडी मूव करती है, ऑसिलेटरी मोशन है। जैसे आपने कैपिटल क्यू को यहाँ रखा, इस माइनस क्यू ने इसे यहाँ से अट्रैक्ट किया, फोर्स ऊपर लगाई, इस माइनस क्यू ने नीचे फोर्स लगाई, ऐसे लगाई, तो आपने इस एफ के कॉम्पोनेंट्स बनाए, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, कॉम्पोनेंट ऊपर नीचे के साथ कैंसिल हो गए, टू एफ कॉस थीटा टूवर्ड सेंटर आया। अल्टीमेटली ये नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट खींच लेंगे। तो जैसे ही कैपिटल क्यू इधर आएगा, ओरिजिन पे आएगा, ओरिजिन पे रुक जाएगा, नहीं रुकेगा नहीं, क्यों, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम को आप यहाँ से छोड़ते हो, वो मीन पोजीशन पे आता है, वो रुकता नहीं है, उसमें मोमेंटम होता है, तो आगे चला जाता है, फिर वापस आता है, रुकता नहीं है, फिर इधर चला जाता है, एंड फिर टू एंड फ्रो मूव करता है। उसी तरीके से ये चार्ज कैपिटल क्यू मूव कर रहा होगा, ये सेंटर पे रुकेगा नहीं, ये आगे चला जाएगा। अब जैसे ही आगे जाएगा माइनस क्यू, जैसे ही ये आगे जाएगा तो माइनस क्यू इस कैपिटल क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ये डायग्राम यहां पर है, ये डायग्राम सेम यहां पर बन जाएगा, और फिर ये कैपिटल क्यू वापस ओरिजिन की तरफ आएगा, रुकेगा नहीं, फिर इधर आ जाएगा, इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो एक बात तो पक्की है कि इस ओरिजिन के आसपास दो पॉइंट्स होंगे जिनके अबाउट कैपिटल क्यू मूव करेगा, तो ये मोशन ऑसिलेटरी मोशन तो पक्का है ही है, तो आंसर में ऑसिलेटरी मोशन तो बनेगा। अब क्या चेक करना है, एसएचएम मोशन है कि नहीं, ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन चेक करने में मैथ नहीं चाहिए, बस ये देखना होता है कि मूव करेगा कि नहीं करेगा, डन करेगा। नेक्स्ट है एसएचएम है कि नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्लस वन का पार्ट था। अगर आपको चेक करना है कि कोई बॉडी एसएचएम में है कि नहीं, तो आपको कैसे चेक करना है, एसएचएम की कंडीशन है कि जो कोई भी बॉडी अगर एसएचएम में होगी या मूव कर रही होगी, उसमें एक फोर्स होगी जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स अगर है तो बॉडी एसएचएम में होगी। रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स का अकेला होना ये प्रूव नहीं करता कि बॉडी एसएचएम में है। रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी परपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। माइनस साइन रिस्टोरिंग फोर्स के लिए यूज होता है कि बॉडी को वापस लेके आ रहा है, माइनस का कोई चक्कर नहीं है, एक्स का चक्कर है। आप जितना ज्यादा बॉडी को दूर लेके जा रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा है, राइट? तो अगर आप ये प्रूव कर पा रहे हो कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी की या इस चार्ज की डिस्प्लेसमेंट के प्रपोर्शनल है, तो फिर आप बोलेंगे ये एस एच एम है, और अगर आप नहीं कर पा रहे या नहीं प्रोपोर्शनल, फिर ये एस एच एम नहीं है। अब इसके लिए आपको मैथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स में फॉर्मूला बनाना पड़ेगा एक्स के साथ, तभी बात बनेगी। तो एस एच एम में देखने के लिए मैथमेटिक्स चाहिए। तो मैथ्स कैसे चाहिए, सपोज करो ये अभी टू ए डिस्टेंस पे है, रास्ते में जब ये कैपिटल को इधर मूव कर रहा होगा तो ये डिस्टेंस वेरी करेगा किसी भी इंस्टेंट पर। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस एक्स है, एक्स है, तो ये कैपिटल क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस कितना एक्स है, तो एफ के कॉम्पोनेंट्स एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा कैंसल, टू एफ कॉस थीटा, और अगर ये ए और ये एक्स है तो ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को कहाँ लेके आ रही है, टुवर्ड्स इट्स मीन पोजिशन। पॉइंट नंबर वन क्लियर, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू आ गई। फोर्स की वैल्यू इज ईजी, फोर्स क्या होगी इन दोनों के बीच में, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू बाई इसका होल स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू बाई इसका होल स्क्वायर, तो फोर्स की वैल्यू भी आ गई। तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू इजी है, कॉस थीटा क्या बनेगा, एक्स अपॉन दिस, एक्स अपॉन दिस, तो ये लो एक्स अपॉन दिस। जब आप इसे स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल करेंगे, इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेज टू पावर क्या बनेगा, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू, तो आपके पास ये नेट फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया नेट फोर्स। अब आंसर देने का टाइम आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रपोर्शनल टू एक्स विद नेगेटिव साइन, यस कि नो? कितने लोग यस बोलते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो एक्स के प्रपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, ठीक। तो क्या ये एस एच एम है? पहली बात तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के प्रपोर्शनल है ही नहीं, क्यों, डिनोमिनेटर में एक्स नहीं है, तो फिर वो कहाँ गया? तो आप ये कह नहीं सकते कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, बिल्कुल गलत, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर की पावर चल रही है, तो इसीलिए ये बॉडी ऑसिलेटरी रहेगी,
एस एच एम नहीं रहेगी। अगर ये एक्स ना होता हाँ फिर बोल सकते थे एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स विद नेगेटिव साइन, फिर एस एच एम आंसर था। लेकिन जब तक एक्स स्क्वायर नीचे है ये प्रोपोर्शनैलिटी नहीं मानी जाएगी, तो ये एस एच एम में नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी की शीट नहीं है ये, प्लीज़ कोई ये पूरी की पूरी शीट ही एनसीईआरटी की नहीं है, ठीक। तो इसके अंदर ये कॉम्पिटिशन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और आपको ये प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं, आपको याद ही हो जाएगा सारा अभी। तो ये एस एच एम में नहीं है, तो आप आंसर क्या मार्क करेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो एक कंडीशन लगाएगा, सेम क्वेश्चन है, ए इज वेरी मच ग्रेटर देन एक्स। अब ए अगर बहुत बड़ा है एक्स से, तो डिनोमिनेटर में ए और एक्स में ए बहुत बड़ा है तो एक्स कैन बी निगलेक्टेड। न्यूमिनेटर में निगलेक्ट नहीं करना, वो मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में निगलेक्शन चलती है। तो ए वेरी मच ग्रेटर देन एक्स उड़ जाएगा, एक्स उड़ेगा नीचे से तो आपके पास सिर्फ ये बच जाएगा। अब आप ये बोल सकते हो कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब बॉडी इज इन एस एच एम। अगर ये कंडीशन गिवन होगी तो एस एच एम मार्क करना है, नहीं गिवन होगी ऑसिलेटरी मार्क करना है, दैट्स इट। तो आपको प्रूफ की जरूरत नहीं है, जब ये क्वेश्चन आएगा आपको याद आ जाएगा। तो बस यही पूछता है वो, प्रूफ तो एनसीईआरटी में आना नहीं है और ऑब्जेक्टिव के अंदर कॉम्पिटिशन के अंदर वो यही पूछेगा, तो आपको कैसे डिसाइड करना है समझ में आ रहा है। मिलता जुलता क्वेश्चन फिर से देखो, ये देखो ऊपर एक क्वेश्चन और था, ये रहा, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर चार्ज्ड रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है इस पे चार्ज, तो रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक चार्ज है माइनस क्यू, तो पॉजिटिव चार्ज रिंग का हर एलिमेंट माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, सेंटर पे एंटर करेगा ये चार्ज, सेंटर से क्रॉस कर जाएगा राइट की तरफ, फिर रिंग फिर खींचेगी, सेंटर से फिर क्रॉस करेगा लेफ्ट, तो ऑसिलेटरी तो इसके अंदर भी आंसर बनेगा। एस एच एम बनेगा कि नहीं बनेगा ये चेक करना पड़ेगा। वैसे वो हिंट दे भी रहा है ए वेरी मच ग्रेटर देन एक्स, कहीं ना कहीं एस एच एम आंसर आने वाला है। पिछले क्वेश्चन से एक्सपीरियंस से हम देख सकते हैं कि एस एच एम, मतलब अगर मैं मेरे को पूछो कि क्वेश्चन आता नहीं है मार्क क्या करना है, मैं एस एच एम मार्क कर दूंगा, क्योंकि ये कंडीशन नॉर्मली तभी गिवन होती है जो एस एच एम की कंडीशन बनाना चाहता है, ठीक। तो ऐसे केस में बस फर्क, वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इतने में ही काम खत्म है, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बट फिर भी दो मिनट बता देता हूँ, मेडिकल वालों को करने की जरूरत नहीं है, नॉन मेडिकल ओनली, कि एक एलिमेंट क्योंकि कूलम लॉ पॉइंट चार्ज पे लगेगा, तो ये छोटा सा एलिमेंट कितना है डी क्यू, तो ये क्या है माइनस क्यू, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स डी क्यू ने माइनस क्यू को खींचा नीचे। आपने दो एलिमेंट लेने हैं, एक आपने रिंग के ऊपर लेना है, एक आपने रिंग के नीचे भी लेना है, डायमेट्रिकली दो अपोजिट। वैसे तो आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, पर आपने लेने डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स लेने हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसने इसे खींचा, डी क्यू ने इसे खींचा, अब फोर्स एफ नहीं डी एफ होगी, डी एफ क्यों होगी, क्योंकि आपने चार्ज छोटा लिया तो फोर्स भी छोटी है, तो डी एफ के दो कंपोनेंट होंगे डी एफ कॉस डी एफ साइन, डी एफ कॉस डी एफ साइन, तो ये कंपोनेंट फिर से कैंसिल, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स अगेन फिर से क्या माइनस डी एफ कॉस थीटा। लेकिन ये तो रिंग के सिर्फ दो एलिमेंट्स की फोर्स है, रिंग के तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन।
तो df की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटू क्यू बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा की जब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स अपॉन ये आएगा, ये ना वैसे तो यहीं से दिख रहा है न्यूमिनेटर में एक्स आ चुका है, डिनोमिनेटर में फिर वो 3/2 का चक्कर है, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि न्यूमिनेटर में एक्स नेट फोर्स जो आएगी वो प्रोपोर्शनल टू एक्स तो रहेगी नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स चल रहा है तो ऑसिलेटरी मोशन, लेकिन जब ए वेरी मच ग्रेटर देन एक्स होगा तो एक्स उड़ जाएगा नीचे से, तो ऊपर अकेला एक्स बच गया तो ये फिर से किस में आएगा एस एच एम, बात ही खत्म होगी, सॉल्व करके क्या देखना है आपने, डन हो गया, खत्म हो गया। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे क्विकली फटाफट फटाफट बिना सॉल्व किए, इतना सॉल्व करने की जरूरत होती है ऑब्जेक्टिव, तो फटाफट आपको आइडिया हो जाता है कि एस एच एम होगा या नहीं होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक,